नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज आसमिया का आपके रोड दिल्ली पर। यह कटक से जगत सिंहपुर जाते वक्त कंदर है, कंदर और कंदरपुर का यह अपना दही बड़ा का अपना ये जो एक स्वाद है, उस स्वाद के साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनावी स्वाद जनता ले कैसी रही है। तो अब तो डबल चुनाव हो रहे हैं, मतलब अगर हम कहें कि मोदी जी और पटनायक जी दोनों लड़ रहे हैं तो साथ साथ लड़ रहे हैं, अलग 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 लड़ रहे हैं, अलग अलग। तो क्या लग रहा है कि यहाँ तो नवीन पटनायक बहुमत से टक्कर बनाएंगे? अब दिल्ली में दिल्ली में कांग्रेस आएगी, दिल्ली में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ऐसा कैसे लग रहा है कांग्रेस आएगी दिल्ली में? लोग परिवर्तन का 10 साल का बीजेपी गवर्नमेंट में बेरोजगार बहुत हो गया है देश में, महंगाई बढ़ गया है, परिवर्तन चाहते। लेकिन ओडिशा में नवीन जी को लोग दिल से चाहते। चार साल का मोदी जी का नारा, ये तो एक इलेक्शन का जो होता है ना, वो तो भविष्य कोई 400 बार नहीं। तो 25 साल से नवीन जी यहाँ सरकार में है, मतलब अब छठी बार आने वाले हैं जी, तो कितना मिला है आपको, कितना लगता है कि जो जमीन पर मिलना चाहिए था कितना दिया है उन्होंने? अपना जो देना चाहिए था वो उड़ीसा को दिया। आप अगर उड़ीसा के गांव में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि 10-20 साल का उड़ीसा क्या था और कितने आप गांव पे हैं, आपके गांव में कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं जो 12वीं पास? हमारे गांव में तो सभी घर में बच्चा पढ़ा लिखा है। और कितने लोग नौकरी में? नौकरी में भी बहुत लोग हैं, छोटा मोटा लोग कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं अपने दम पर। उड़ीसा के बाहर मैं उड़ीसा के बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं गांव का, मेरे गांव का बात बोल रहा हूँ। मैं गांव से बहुत कम लोग बाहर जाते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। तो खुद की नौकरी जी। और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की बात करें, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के बाद आप अगर पूछते हो तो उड़ीसा में जो 5T की जो स्कूल अभी बनी है, आप देखिएगा कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी वो ज़्यादा है। हमारे लोग यहाँ बहुत खुश हैं इसी। तो 5T और नवीन उड़ीसा एक बड़ी अलग तरीके से, अलग नवीन पटनायक जी जी और पांडेन जी स्कूल यूज कर रहे जी। कुछ लोग पांडेन जी जो उड़ीसा के लिए काम करेगा, उड़ीसा के लोगों के दिल में बाहर ही हो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर का है, वो देश का है ना, देश के बाहर का नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे राज्य, हमारे उड़ीसा के लिए, हमारे लोगों के लिए, हम गरीब जनता के लिए काम करेगा, यहाँ के लोग उनको दिल में बिठाएंगे, सुनेंगे और उनको बहुमत से यहाँ की सरकार को फिर से लाएंगे। बीजू जनता दल के कार्यकर्ता तो नहीं है आप? नहीं, यहाँ के नौकरी वाले हैं, मतलब कार्यकर्ता नहीं। ये सवाल इसलिए कि आप बड़ी अच्छे से बातचीत रख रहे थे तो नहीं, आप भी जनता दल की हम सपोर्ट हैं, लेकिन कोई ब्रांडिंग कार्यकर्ता नहीं है, मतलब सपोर्टर हैं, सपोर्टर हैं सपोर्ट करते उनके। नवीन जी की जो कार्यशैली है, उनकी जो जीवनी है, उनका जो आत्मकहानी है, उससे हम प्रभावित हैं। उनके जो पिताजी जो बीजू पटनायक जी हैं, वो हमारे आदर्श हैं। बीजू जी को 10 साल से लड़ाई लगा है और आप कह रहे केंद्र में आप काम कर रहे हैं। हम तो युवा हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उनसे प्रभावित देश में इस तरह के हुआ आना चाहिए। आप गए थे किसी यात्रा में? नहीं नहीं, हम टीवी में देखते हैं। राहुल जी के जो भाषण हम सुनते हैं, तो मोदी जी के जो भाषण सुनते हैं, उसमें बहुत फर्क है। किसकी गारंटी अच्छी लगती है, राहुल की या मोदी की? गारंटी तो हर किसी की अच्छी लगती है, लेकिन वो गारंटी तब अच्छी होगी जब हकीकत में लोग उसको जान पाएंगे, उनके पास आ पाएगा। लेकिन मोदी जी की जो जुमला की गारंटी है, जो 15 लाख की हो या और भी कितने गारंटी है, आप तो जानते होंगे, अभी तक उसकी कोई फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन राहुल जी ने जो मुद्दे अभी उठाए इलेक्शन में, अगर जनता उसको समझे तो मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि लोग कुछ अच्छा हो सकता है। इसी मोदी जी तो बोलते हैं हम राम मंदिर लाए, राम को लाए हैं। प्रधानमंत्री मंदिर को बनाने के लिए नहीं चुना गया,
देश के इकोनॉमी की अर्थनीति को सुधारने के लिए चुना गए हैं, तो मंदिर मस्जिद ये सब तो एक अच्छा बात नहीं है। धार्मिक राजनीति में धार्मिकरण अच्छी नहीं है। तो जब हम राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल की कौन सी ऐसी बात है जो लगता है कि युवा को अच्छी लगेगी? हर एक बात अच्छी है। हम तो यहाँ उड़ीसा में तो हम नवीन जी के सपोर्ट हो रहे हैं, कभी कांग्रेस से नहीं है, लेकिन जब हम राहुल जी को सुने दिखे उनके सारे से दिखे तो उनसे बाहर। अब जब राहुल जी चुनाव में मतलब कांग्रेस लड़ रही है और यहाँ तो नवीन जी की सरकार आप बना रहे हैं, जो विधायक थे उनका चुना गया है, सांसद भी नवीन जी के चुने। मतलब जो भी होगा वो केंद्र में जाएगा, राहुल जीतेंगे कैसे? वो तो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ नवीन जी से प्रभावित हैं। अब जो अब सेंटर की बात पूछे तो हमें मोदी जी और राहुल जी के बारे में फर्क पूछे तो हम बताए, लेकिन यहाँ तो हम दोनों एमपी और एमएलए दोनों ही नवीन जी के चुने। अगर उड़ीसा की बात करें, नवीन पटनायक की बात करें, तो ऐसा क्या लगता है जो उड़ीसा को मिलना चाहिए अगले आने वाले 5 साल में, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही उड़ीसा को जो स्वतंत्र राज्य की मान्यता मिलना चाहिए। वो राज्य तो है पूरा, उसको हमारा राज्य के जो लैंग्वेज बेसिक स्टेट है उसका जो मुद्दा है जो उससे पहला मिलना चाहिए, वो नहीं मतलब स्वतंत्रता मिलना चाहिए। पूर्ण राज्य तो है, अभी क्या लग रहा है कि परतंत्र है, मतलब कैद में है उड़ीसा? नहीं कैद में नहीं है, लेकिन हमारा जो उड़ीसा में जो संस्कृति है नेचुरल रिसोर्सेज उससे जितना केंद्र सरकार लेती है उसी तरह से हमारे लोग उसका बेनिफिट नहीं पा रहे। तो ये बड़ा मुद्दा है, आप जो बोलना चाह रहे हो कि उड़ीसा के अंदर जो माइनिंग रिसोर्सेज जी 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 ना उसका ज़्यादातर हिस्सा केंद्र ले जाता है, वो राज्य को ही क्यों ना मिले जी। तो केंद्र तो बोलती है हमारी संपत्ति है, जल जंगल जमीन सब उनका है, तो उनका तो सब कुछ है, लेकिन जहाँ वो नेचुरल ईश्वर के दिया हुआ जिस स्टेट में उससे तो उसका अधिक लाभवान होना चाहिए ना उसकी उस राज्य की जनता ने, लेकिन उससे नहीं मिल रहा है। चलिए ये बड़ी बात है, एक बच्चा आया है इसको देखते हैं। मुख्यमंत्री कौन है तुम्हारे यहाँ का? मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री नहीं पता है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्रधानमंत्री किधर नाम बताओ, दुनिया देख रही सब कहेंगे इसको पता ही नहीं कौन है प्रधानमंत्री। बता कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अरविंदा स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, तो प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है? क्या नाम है? अरे अपना घर के काहे बोल रहे हैं? और मुख्यमंत्री कौन है? जोर रखो। अरे चलो देखो ये बच्चे हैं, ये संकोच में है, आता सब है इसको, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से पहले थोड़ा सा हिचक लगती है। ये बड़ा खाने आए हैं और ये दही बड़ा खाएंगे, उड़ीसा का सबसे अच्छा है। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले यहीं के हैं? ओटीकार वाला वाला पंजाब से? हां यहीं के हैं। हिंदी नहीं मालूम है? चलो उड़िया में पूछो। एडी एडी करे अपन निर्वाचन आसुच्छे इलेक्शन आपन कहा को वोट देबे? आप पसंदर नेता किए? पसंदर नेता किए आपन? बीजेडी बीजेपी कांग्रेस माने किए आप सब भल सेवा कर रोजगार दौर नवीन पटनायक कर कौन कौन कर कौन करोदी नहीं जो सब करोजगार मिलूँ
माने सब जति देई छ हम कहतो आ ओइका जी आछो जा जे जा दबा हम सेवा कहबो जी दउ जी ताको कहू छथि कहबो नै हेलो जाउ जाउ माने कोन देई छ तुमको नवीन पर नै हां जाउ सब प्रकार देई छ कोन देई छ सब प्रकार बोल कोन देई छ ये कैमरा कोन है कांग्रेस भल नु कांग्रेस भल नु कांग्रेस कांग्रेस को कहीं देने बापा तो बापा तुम ठीक है चलो ये सबकी अपनी अपनी आधिकारिक सोच भाषा और सब कुछ है और सबको लगता है कि मतदान देना चाहिए मतदान देंगे आप अपनी उम्मीदों के लिए और शायद उड़ीसा को बचने बचाने की लड़ाई से आगे निकालने के लिए देखते रहिए जुड़े रहिए लोकल न्यूज़ आपको मिला गाँव की भूमि के लिए।